हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ द इवैल्यूएशन केसेस फॉर द फर्स्ट हाफ 2024। देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन जो केसेस है उसका फर्स्ट हाफ 2024 का फर्स्ट लीस यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया है। फर्स्ट हाफ 2024 का मीनिंग क्या है कि ये जो बच्चे हैं ये 2024 में एग्जाम दिए थे। अभी ये जो एग्जाम है आपके वो मार्च, अप्रैल या मई में हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों के रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है। अब आपके जो 2024 के बच्चे रहेंगे वो इस पे इनके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, 2023 का अलग है, ठीक है, वो अलग वेबसाइट पे जाएगा और ये अलग वेबसाइट पे जाएगा। चलिए अभी तो देख सकते हो कि ये जो एक ही लिस्ट है और यहाँ पे टी वाई बी कॉम सैम सिक्स का ये रिजल्ट मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इनके जो एग्जाम्स हुए थे वो मार्च मार्च में हुए थे, ठीक है, मार्च और अप्रैल में हुए थे। तो उनके ये रिवैल्यूएशन केसेस यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। ये जो रिवैल्यूएशन केसेस है वो बहुत ही जल्दी ओपन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्म भी फिलअप कर रहे थे। और टू मतलब 22 मई तक था, आज 21 21 मई है यहाँ पे से। 21 मई का आज ये फर्स्ट लिस्ट दे दिया है, जो कि 22 तक आपको फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया था। तो 21 तक जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था उनके फिर से रिजल्ट इन्होंने चेक कर लिए, ठीक है, मतलब आंसर शीट चेक कर लिया और उन्होंने अपलोड भी कर दिया। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर वेबसाइट नहीं चल रहा है, तो आप फिर से देख सकते हो कि आपका वेबसाइट ओपन हो गया होगा, ठीक है, री चेकिंग करो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर टी वाई बी कॉम सेम सिक्स 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन नहीं है, तो आप उसको फिर से एक बार चेक कर सकते हो, शायद ये ओपन हो गया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप वेट कीजिए। तो यहाँ पे टी वाई बी कॉम सेम सिक्स, ठीक है, ये देख सकते हो रिवैल्यूएशन केसेस 2024 का यहाँ पे रिजल्ट्स दिया हुआ है। इसको मैं ओपन करके यहाँ पे हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और इसमें देख सकते हो 270 पेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया। 270 मतलब समझ रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने रिजल्ट को डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें मैं आपको स्क्रोल करके नीचे लेके जाता हूँ। बहुत सारे बच्चों को रिवैल्यूएशन गया है यहाँ पे, कितने हैं इसमें, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये तो। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके एकदम नीचे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कितना पेजेस गए हैं। ओके, 15,886। ओ बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन में डाल दिया मुंबई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 15,886 समझ लो, इतने सारे बच्चों के रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं बाय मुंबई यूनिवर्सिटी। चलिए अभी इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन केसेस में ज्यादा बच्चों ने जिनके मार्क्स कम आए थे, लेकिन क्या बच्चे पास हो गए हैं क्या रिवैल्यूएशन केसेस के अंदर। तो सीधा मैं पेज नंबर 1 पे आ रहा हूँ, वहां से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे का सब वही कॉन्सेप्ट है, आपको चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक, ये पहले बता दूँ आपको। अपना सीट नंबर यहाँ पे कंट्रोल करके, कंट्रोल एफ करके सीट नंबर डाल देना है, आपका सीट नंबर आ जाएगा, तो आपको आपका मार्क्स पता चल जाएगा कि आफ्टर रिवैल्यूएशन कितने मार्क्स मिले, ठीक है। देखिए ये 100 मार्क्स का पेपर है, सीधी बात है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स में से आपको कितना मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एटलीस्ट 40 चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 चाहिए। ओके, तो अभी जिन बच्चों को 40 आया वो बच्चे पास हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे से तो 46 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है, राइट, यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पे 45 है, तो ये सब बच्चे क्या है ना, पास हो चुके हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन में वो पास कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। और बहुत सारे बच्चे तो देख रहे हैं जिनका 40 भी नहीं आया हुआ है, तो ऐसे बच्चे क्या ये अनसक्सेसफुल हो चुके हैं सैम सिक्स में, टी वाई बीकॉम सैम सिक्स में, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये बच्चों को अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख रहे हो 40 40 आया है, तो ये बच्चे पास हो चुके हैं, लेकिन 40 से भी कम आया है, 34 आया, 29 आया, 28 आया, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्क्स आया, वो भी एक सब्जेक्ट से। यहाँ पे देख सकते हो, तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे ना एक दो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चे का दो सब्जेक्ट्स है और दोनों सब्जेक्ट्स में फिर भी रिवैल्यूएशन में ये बच्चा निकल नहीं पाया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दो सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट में इसने क्रैक कर लिया, एक सब्जेक्ट रह गया इसका, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे दो तीन सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, चार सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं आपके, सब यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन केसेस के थे सबको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने एक ही बार में डिक्लेयर कर दिया है। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दो दो सब्जेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहे, दो तीन सब्जेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहे, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने रिजल्ट्स को देख सकते हो जो कि कंटिन्यूस फॉर्मेट में दिया हुआ है। अभी देखिए जिनका नाम नहीं आया रिवैल्यूएशन में तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और भी लिस्ट बचा हुआ है। अभी तो 15,886 था, ठीक है, 86 रिजल्ट थे, बट इसके अंदर इसके बाद भी, ठीक है, इसके बाद भी और भी आपको रिजल्ट आने बाकी है, समझ
मुंबई इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यहाँ पे फटाफट जितने भी हो सकते थे रिजल्ट्स को जल्दी जल्दी चेक करके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे अभी आपको अगर नजीब मंजू का नाम तो नहीं आया इवैल्यूएशंस के अंदर, तो उनको वेट करना है। ठीक है, और जो बच्चे अभी फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं तो वो वेट करें। ठीक है, एक दो दिन का वेट करें, फिर से वो आपका रिवैल्यूएशन जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, जो बच्चे अभी पास नहीं हो पाए उनके पास क्या ऑप्शंस है, इनके पास अभी ऑप्शंस एटी के टी के ही है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में डाल के कोई मीनिंग नहीं है। अभी आप समझ गए होंगे कि आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट आया उसमें कितने मार्क्स थे और अभी कितने मार्क्स है आपके। ठीक है, आफ्टर रिवैल्यूएशन तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, एटी के टी। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं फिर से रिवैल्यूएशन डालूँ तो शायद मैं पास हो सकता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हो ये बच्चे का 32 है, 33 है। ठीक है, ये बच्चे की ऐसा लगता है कि चांसेस है पास हो जाने के, 33 है यहाँ पे, 31 है। ठीक है, अगर चांसेस है पास होने के तो आप रिवैल्यूएशन में भी फॉर्म डाल के रखिए, रिवैल्यूएशन या एटी के टी। अगर रिवैल्यूएशन में निकल जाओगे तो फिर आपको एटी के टी के फॉर्म फिल नहीं करने पड़े, मतलब एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, समझो। तो अभी कैसा है कि इनके जो रिजल्ट है वो एक जल्दी आते भी नहीं है ना, तो ये इस बात को पूरा लग था आपका कि ये रिजल्ट आने का, तो इसीलिए यहाँ पे अभी जो बच्चों को लगता है कि नहीं मैं 33 लाया हूँ तो मैं अगर फिर से रिवैल्यूएशन डालूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, 35 आया तो मैं अगर रिवैल्यूएशन डालूंगा तो फिर से मैं पास हो सकता हूँ रिवैल्यूएशन में, चांसेस हो मेरे। ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन फॉर्म को डाल सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन रहेगा साथ ही साथ आप क्या कीजिए ना, एटी के टी का भी फॉर्म फिल करके रखिए। तो अगर रिवैल्यूएशन में नहीं निकल पाओगे आप तो आप एटलीस्ट एटी के टी में तो पास ही हो जाओगे। ठीक है, मतलब एटी के टी के जो एग्जाम्स होंगे उसमें आप पास हो जाओगे। अभी एटी के टी का एग्जाम कब होगा, ये मोस्ट ऑफ दी होगा आपका अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर के आपके जो पेपर्स होंगे उसमें आप अपने सब्जेक्ट के एग्जाम देके आप पास हो सकते हो, क्लियर यहाँ पे। या तो रिवैल्यूएशन में अगर पास हो गए तो आपको एटी के टी के फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझो यहाँ पे। तो ये जो लिस्ट है ना इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड कुछ और क्वेरीज है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो मेरे इंस्टा आईडी पे भी मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हो, समझो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।